वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज दोबारा सेक्टर 14 द्वारका 1 BHK एंड 2 BHK फ्लैट में आ चुका हूँ। LIG और MIG फ्लैट के अंदर जो 2 BHK का भी फॉर्म निकल चुके हैं 30 तारीख से, ठीक है, उसका फ्लैट का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ और 1 BHK का दोबारा मैं व्यू दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आर रश कम है तो आपको वीडियो आपको रूम आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो आप मेरा ये ब्लॉग देखिए और रूम का साइज देखिए कैसा है रूम। आपको बता दूँ जो 1 BHK है LIG उसकी जो कीमत है वो 88 लाख के आसपास की है और जो 2 BHK है वो 120 CR के ऊपर की है, ठीक है। वो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर डिपेंड रहेंगे फ्लैट, ठीक है, और मैं आपको दोनों का व्यू रूम दिखा देता हूँ दोनों के। ये 1 BHK का फ्लैट है जिसमें स्टील का डोर दे रखा है, आप देख सकते हैं सैंपल फ्लैट 1 BHK। ये बाहर का एरिया दे रखा है, लॉबी एरिया छोटा सा, और ये हॉल दे रखा है पूरा प्रॉपर। देख लीजिए एक एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, आज पूरा स्पेस है। मैं गेट के पास खड़ा हुआ हूँ, एंट्री गेट के पास ये हॉल है पूरा। और इसका मैं साइज दिखा देता हूँ आप लोगों को, लिविंग रूम उसका साइज देख लीजिए, ठीक है। तो ये बाहर का बालकनी की विंडो डोर है, इसका स्पेस दिखाता हूँ बाहर का, देख सकते हैं ये बाहर का मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं एरिया, वहाँ से एंट्री है। किचन दिखा देता हूँ मैं आपको, किचन का एरिया दिखा देता हूँ, टोटल किचन, किचन का साइज देख सकते हैं, ये किचन का साइज है, ये स्लैब, ये बालकनी अलग से किचन के बाहर, और ये खाली एरिया देख सकते हैं। मैं दोबारा ये लिविंग हॉल में आ गया हूँ, अब मैं आपको ये बेडरूम आ गया, इसका साइज दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बेडरूम का साइज है देख सकते हैं, और ये विंडो देख सकते हैं, ओनली विंडो, विंडो से पास करो के मैं आपको ये साइज दिखा देता हूँ। ये फ्लैट का साइज 1 BHK जिसकी कीमत 88 लाख के आसपास है, ये बाहर खड़ो के साइज देख सकते हैं, ये WC इसका साइज देख सकते हैं, और ये बाथरूम गीजर भी लगा हुआ है, और ये इसका साइज देख नहीं पा। आपको मैं 1 BHK का फ्लैट है, अब मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा देता हूँ, आप ले चलता हूँ आपको 2 BHK के फ्लैट में, देख सकते हैं 2 BHK का फ्लैट है, सैंपल फ्लैट रेडी 2 BHK का, स्टील का डोर दे रखा है, और ये एंट्री के अंदर मैं आ गया हूँ, बोर्ड का है ये भी, एंट्रेंस लॉबी, और ये लिविंग रूम प्रॉपर तरीके से देख सकते हो आप लोग, और रश कम है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। लिविंग रूम का मैं साइज दिखा देता हूँ देख लीजिए, और ये डोर है लिविंग रूम का, बालकनी में जो खुलता है सीधा अटैच होगा, दिखाता हूँ आपको, रुकिए। इसके साथ में 2 BHK हैं बगल में, और 2 BHK और 1 BHK बगल में है, साथ साथ में ही है। ये 2 BHK का फ्लैट है, ये एंट्रेंस गेट है, इसके बगल में 1 BHK है, और जितनी भी आप देखने कॉलोनी लोकल कॉलोनी है, और वो सामने आप देख सकते हैं वो जो टावर दिख रहा है वो वेगस मॉल है, और ये भी एक टावर बन रहा है प्राइवेट बिल्डर का। इधर से आप बाहर जाएंगे मेन रोड है, ठीक है, और इधर से जाएंगे सेक्टर, इधर से जा सकते हैं अभी ये बंदर रोड, इधर से जाएंगे सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के द्वार का निकल जाएगा। ये 2 BHK का बाहर से, वहाँ से एंट्रेंस है आप देख सकते हो, उधर से एंट्रेंस था, अभी मैं बाहर बालकनी में खड़ा हुआ हूँ, और वो किचन है, किचन का दिखा देता हूँ मैं आपको, टोटल किचन का क्या स्पेस है। ये किचन है, काफ़ी स्पेशियस है, देखिए किचन का साइज क्या है, यहाँ पे भी स्पेस बालकनी दे रखी है जिसमें आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं,
ठीक है, और ये बिल्डिंग का भी दे सकते हैं टोकन। हाँ मैं आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में दे सकता हूँ, ये देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम, ये आप फर्स्ट बेडरूम का वीडियो है। और मैं इसका साइज दिखा नहीं है, साइज बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 10.5 ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 10.5-12 का फर्स्ट बेडरूम है इसका, 10.5-12 का देख सकते हैं, 10.5-12 का बेडरूम है फर्स्ट MIG का, ये फर्स्ट बेडरूम है। और ये वॉश बेसिन दे रखा है, ये अटैच बाथरूम है इसका, ये बाथरूम उसमें अटैच ही है, 2 BHK में अटैच है। इसका साइज दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर टाइल है, वॉल तक टाइल दे रखी है प्रॉपर, ठीक है प्रॉपर टाइल है, EWC लगा रखी है, साइज मैंने आपको दिखा दिया है, प्रॉपर ऊपर तक टाइल है, वॉल तक टाइल है प्रॉपर। ये सेकंड बेडरूम है अटैच, ये फर्स्ट था और सेकंड, ये बाथरूम है और सेकंड बेडरूम उसके साथ में है, ये रहा ठीक है, ये एंट्रेंस है, ये डोर है, डोर में लॉक देख सकते हैं, ये वाले लॉक लगा रखे हैं। ये इसका अटैच बाथरूम है, अटैच बाथरूम, इसका साइज दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसका साइज है, ये शॉवर, ये वॉल टाइल पूरी टाइल लगा रखी है, ये कुंडली इस तरीके से है, ये वॉश बेसिन और ये WC लगा रखी है पूरी ऊपर तक, ये साफ का दे रखा है, ये वॉल तक टाइल लगा रखी है। ये सेकंड बेडरूम है, सेकंड बेडरूम ये स्टार्ट हो गया है, सेकंड बेडरूम का आप साइज दे सकते हैं 10.8x13 और ये अलमीरा का साइज, यहाँ पे अलमीरा वगैरह बना सकते हैं आप लोग, ये अलग से स्पेस दे रखा है अलमीरा का। ये सेकंड बेडरूम का मैंने आपको साइज दिखा दिया है, ये सेकंड बेडरूम है, इधर से एंट्रेंस था, उसके बगल में फर्स्ट बेडरूम है, इधर टॉयलेट है, वो आपका हॉल है ठीक है, और ये इसका टॉयलेट है, वो मैंने आपको दिखा दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका बालकनी वाला एरिया है, बालकनी एरिया दिखा देता हूँ आपको, और वही मैंने आपको बताया था, ये इसका बेडरूम है, उसके बगल में उसका जो आप देख रहे हैं, ये इसका लिविंग रूम है, ये बाहर का एरिया, बाहर से दिखा देता हूँ बालकनी वाले एरिया से टोटल। ये मैंने आपको 1 BHK 2 BHK की फुल वीडियो दिखा दी है। हाँ जी गाइज, आपने मेरी 1 BHK 2 BHK की पूरी वीडियो मैंने आज आपको दिखा दी है, और जो 1 BHK का जो रेट है वो 88 लाख के आसपास है ठीक है, और जो 2 BHK का है ये ऑक्शन के अंदर है, इसकी नीलामी होगी तो ये आपको मिलेगा 120 CR के आसपास का ठीक है, ये आप इसके अंदर ऑक्शन के अंदर आएगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा ये उसी का फ्लैट होगा ठीक है। ये सेक्टर 14 द्वारका की मैंने आपको MIG और LIG की वीडियो दिखाई है, सेक्टर 14 द्वारका ठीक है, स्पेशल अगेन आपके लिए बनाना आया था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आज रश कम था तो मैंने कहा एक बार आप पब्लिक के लिए वीडियो बना दूं मैं। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज़ DDA की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। कल संडे तक मेरी लोक नायापुरम की भी वीडियो आ जाएगी, जो वहाँ के जो भी फ्लैट है वो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा लोक नायापुरम की वीडियो की, वहाँ के फ्लैट जितने भी है कल संडे तक मैं आपको दिखा दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए आगे बढ़ने का, और ऐसी मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा प्लीज़। ये आप स्टेयर के एरिया देख सकते हैं, नीचे से स्टेयर आ रही हैं, ये स्टेयर का एरिया है, ये स्टेयर आके मार्बल दे रखा है, ये देख सकते हैं ये डोर है मेन, और ये लिफ्ट का काम चल रहा है, ये लिफ्ट है, और ये मैं जा रहा हूँ पैसेज की एरिया की तरफ, ये मैं आ गया, ये मैंने आपको दिखाए थे 1 BHK 2 BHK, इसके सामने भी 1 BHK 2 BHK ठीक है, और इसका मैं लॉबी एरिया दिखा देता हूँ सामने, ये सामने पूरा पैसेज है देख सकते हैं, इधर भी 1 BHK 2 BHK और स्टेयर दे रखी है, ऐसी अब ऊपर तक जा रही है फ्लैट, मैं दिखा देता हूँ आपको टोटली बाहर का व्यू भी फ्लैट का, आगे लॉबी है यही दिखा देता हूँ मैं प्रॉपर आपको,
एक तरफ 1 BHK, दूसरी तरफ 2 BHK, इस तरीके से फ्लैट दे रखे हैं। मैंने आपको स्टेयर दिखा देती सेकंड, ये रहा 1 BHK 2 BHK, ऐसे इधर भी 1 BHK 2 BHK, ये लिफ्ट एरिया हो गया। आप देख सकते हैं 2 लिफ्ट लगी हुई है, और मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था उधर भी लिफ्ट और स्टेयर थी 1 BHK 2 BHK, इधर भी आप देख सकते हैं ये स्टेयर का एरिया है जो नीचे से ऊपर आ रहा है। दो जगह लिफ्ट है, दो जगह आपको स्टेयर का एरिया मिल जाएगा। पैसे देख सकते हैं पूरा मार्बल का काम हो रखा है पूरे में। ये बिल्डिंग बी ब्लॉक में मैं आ रखा हूँ आपको, इसके बगल में ए ब्लॉक है, ऐसी बिल्डिंग है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक तक दे रखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये टोटल ऐसी दे रखा है। इधर 2 फ्लैट इधर हैं, 4 फ्लैट इधर, 4 फ्लैट इधर, फिर इधर 4 फ्लैट इधर, 4 फ्लैट इधर, 4 फ्लैट इधर, ऐसी 4-4 फ्लैट दे रखे हैं आपने सामने। यदि गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। गाइस वहाँ से एंट्री है, देख सकते हैं आप लोग, उधर से एंट्री होके ये पैसिज एरिया है, यहाँ से आपको एंट्री होके ये आपका आ गया, ये आपका स्टेयर एरिया आ जाता है, और लिफ्ट का एरिया, लिफ्ट, ये आपका लिफ्ट का एरिया आ गया, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये लिफ्ट का एरिया है, और इसका मैं आपको पार्क वगैरह दिखा देता हूँ टोटली, पीछे का इसमें पार्क एरिया कैसा है। बिल्डिंग टावर आपको दिखा देता हूँ, ये खाली स्पेस है जैसे गाड़ी वगैरह, इसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग मिलेगी आपको, 1 BHK 2 BHK में पार्किंग है, EWS में पार्किंग दे रखी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो अपनी पार्किंग लगा दें उसी के लिए पार्किंग है। ये टावर, ये वाला टावर, ये टावर, वो वाले टावर, ये सब टावर 1 BHK 2 BHK के हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये पार्क वाला एरिया है टोटल, उसके बगल में आप वो जो कॉलोनी है भरत विहार कॉलोनी है, वो भरत विहार कॉलोनी पूरी बाउंड्री है, वो बाउंड्री वॉल देख रखी है आपने, ठीक है। वॉल वो टोटली वॉल है, और इसके अंदर आपको बेसमेंट के अंदर फुली पार्किंग है, वो आप देख सकते हैं, वो बरात घर है, आप लोगों को यहाँ पे बरात घर मिलेगा अपनी पार्टी वगैरह करने के लिए। टोटली आपको मैं टावर दिखा दूँ, अभी जो मैंने वीडियो बनाई है ए ब्लॉक की, ऐसी बी ब्लॉक की मैंने वीडियो बनाई है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे टावर हैं सारे ये, ठीक है। ये देख मैं आपको टावर दिखा देता हूँ प्रॉपर, देखिए ये टावर है। यदि गाइस यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी मेरी लॉक नायापुरम की वीडियो आने वाली है, ठीक है। यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो संडे तक आपको मेरी लोक नायापुरम की भी वीडियो मिल जाएगी, सेक्टर 19 की मिल चुकी है, और मैं दोबारा आपके स्पेशल लिए सेक्टर 14 के लिए आया था, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा डिमांड कर रही है सेक्टर 14 के फ्लैट के लिए। सेक्टर 19 का एरिया जो है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, वहाँ पे कोई लोकल मार्केट नहीं है, ठीक है, कोई लोकल साधन नहीं है, मेट्रो स्टेशन पास नहीं है। सेक्टर 14 के आसपास आपको लोकल मार्केट, मॉल्स, वेगस मॉल, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सेक्टर 19 बी में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको लोकल मार्केट, दूर दूर तक लोकल मार्केट नहीं है। ये देखिए जैसे आपको देख सकते हैं भरत विहार की कॉलोनी है ये, इसके आसपास मॉल हैं, वेगस मॉल है, मेट्रो स्टेशन पास है, मेट्रो पास में है, इसलिए स्पेशल मैं आपके लिए आया था आज सेक्टर 14 की वीडियो बनाने के लिए, जो आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ। देख सकते हैं पूरा पार्क का एरिया, वो भी टावर है, ये देख लीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपका बजट है 90 लाख के आसपास का, तो आप 1 BHK में आके एक बार वीडियो देख आके फ्लैट देख सकते हैं, ठीक है। और 2 BHK का 120 CR के आसपास है, उसमें बिट लगेंगी, बिट का ऑप्शन है, ठीक है। अब वो जो बिल्डिंग है वो EWS की है, उस या बाहर के एरिया देख सकते हैं जहाँ से आपकी एंट्री होगी, फिर रोड देख सकते हैं, ये फ्लैट के बाहर का एरिया जहाँ से आप एंट्री इन और आउट करेंगे। ये रोड दिखा दूँ मैं आपको बाहर का, अभी कच्चा रोड है, वो मैं दिखाता ना सेक्टर 14 द्वारका की तरफ जाएगा वो रोड है, ठीक है। और ये आप कच्चा रोड है अभी, ये मैं भी जब ये फ्लैट मार्च अप्रैल तक आपको मिलेंगे, ये रोड बन जाए, DDA इसको बना दे, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 1 BHK 2 BHK के फ्लैट जो मैंने आपको दिखाए, ये बाउंड्री है उसकी, पूरा जाल वाल लगा रखा, और ये बाहर का रोड है जहाँ से आपको मेन रोज आना जाना करना पड़ेगा। अभी ये रोड देख सकते हैं कच्चा है, अभी बना नहीं है, क्या पता ये 1-2 महीने के अंदर, जब तक ये DDA अलाउटमेंट करेगी फ्लैट आपको, ये रोड बन जाए। मैं आपको वही रोड दिखा रहा हूँ बाहर का, टोटली कैसा रोड है अभी बाहर का।
ये गेट आ गया है डीडीए फ्लैट का, जहाँ से मैं सबसे पहले गया था ये गेट है, एक गेट और जहाँ से निकला वो दो गेट, तीन या चार गेट हैं इस फ्लैट के टोटली। ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये फ्लैट का एरिया। अभी जो रोड है वो इस पक्का रोड नहीं है, अभी क्या पता 3-4 महीने के अंदर ये रोड प्रॉपर तरीके से बन जाए। आगे से जो रोड आ रहा है वो भी सेक्टर 13 द्वारका की तरफ जाता है, वहाँ से एक कट है जो ओम अपार्टमेंट सेक्टर 14 की तरफ होते हुए बेगर्स मॉल निकलता है। क्या पता आने वाले टाइम पे ये रोड भी खोल दिया जाए। वैसे रोड है ये भी वो आप सामने देख रहे हैं बेगर्स मॉल है, वो ये रोड है भैया, ये भी रोड है, अभी बंद है फिलहाल। अभी क्या पता आने वाले टाइम पे एक साल में कुछ टाइम के बाद ये रोड खोल दिया जाए। साहब ये कच्चा है, अभी प्रॉपर कच्चा है। ये आसपास का मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का बाहर का एरिया है, ये फ्लैट देख सकते हैं टोटल, ये लोकल कॉलोनी है। मैंने आपको पूरा रोड दिखा दिया है किस तरीके से है ये एरिया, यहाँ का फ्लैट का एरिया देख सकते हैं। अभी रोड कच्चा है बाहर का, अभी क्या पता आने वाले टाइम के अंदर ये रोड बन जाए। हाय गाइस, यदि आपका मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आने वाले टाइम पे कल परसों में मैं आपको लोक नायकपुरम का भी वीडियो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, संडे तक मिल जाएगा। और ये जो आप पीछे मेरे रोड देख रहे हैं ये सेक्टर 13 की तरफ जा रहा है, अभी रोड ना प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। और इस सेक्टर 14 के अंदर ये है आपको खासियत मिलेगी कि यहाँ पे मार्केट मॉल्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, जो सेक्टर 19 बी में कुछ नहीं है आज उस पर, ना उधर लोकल कन्वेंस है ना मेट्रो है, कुछ नहीं है, नथिंग। और सेक्टर 14 के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो सेक्टर 19 के अंदर नहीं है, मॉल्स मार्केट लोकल मार्केट एरिया। बस यहाँ पे ये रोड है, मे बी जब DDA फ्लैट हैंड ओवर करे, मे बी जब तक ये रोड बन जाए प्रॉपर तरीके से हो जाए। एक ये रोड है जो अभी बंद कर रखा है टेम्परेरी तरफ से, जो टावर बन रहा है, मे बी आने वाले टाइम पे ये रोड आपको बना हुआ मिले जब तक ये टावर आपको हैंड ओवर होगा, ठीक है। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। यदि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी गलती हो रही है कृपया मुझे माफ़ करके आगे बढ़ने का मौका दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।